हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, है ना, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। यानी कि एक्स और वाई ये दोनों के दोनों एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, तो हमें दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लॉजिक पहले लगाते हैं। इवन होने का मतलब क्या है? इवन होने का मतलब वो है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी जिसे 2 into something के फॉर्म में लिखा जा सके। और नॉट डिविजिबल बाय 4 का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज 4 into something और प्लस माइनस 1 2 3 ये सब के फॉर्म में आ जाए तो ये सारे के सारे रिमाइंडर होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस लॉजिक में आने के बाद हम लोग x को कोई भी ऑड नंबर 2n plus 1 मान लेंगे और y को 2l plus 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x square plus y square, तो हम यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो a plus b का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें आ जाएगा a square plus b square plus 2ab। इसके बाद यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये 4n स्क्वायर है, ये 4n है, ये 4l स्क्वायर है, ये 4l है, और ये वाला 1 और ये वाला 1 ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसको 1 मान लो, इसलिए क्योंकि अगर हम ये पूरा में देखें तो पूरा में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये 2n, ये 2l स्क्वायर, ये 2l, और ये 1 हो जाएगा। तो क्योंकि ये 2 गुने समथिंग के फॉर्म में आ गया, इससे ये पता लगता है कि ये 2 से डिविजिबल है, यानी ये इवन है। हमारा पहला हिस्सा जो है वो साबित हो गया इवन वाला। इसके बाद हम इसी फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, कॉमन तो लेंगे लेकिन 2 को छोड़ देंगे, केवल इतना दूर से कॉमन लेंगे। तो इतना दूर से हम 4 को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा l स्क्वायर, ये हो जाएगा l, और 2 अलग रहेगा। अब क्योंकि देखो ये 4 into something प्लस समथिंग के फॉर्म में है, ये हमारा 2 क्या है, रिमाइंडर है, तो इससे यह पता लगता है कि यह अब 4 से डिविजिबल नहीं है।